जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पे आपको याद रहेगी। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार अभी ना मुझे एक दोस्त का आज इनविटेशन आया था, कोई ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है मार्शल आर्ट की, कोई एकेडमी ओपन कर रहे हैं। तो मुझे उसका अभी मैसेज आया कि यार वो शुरू हो गया, तो अभी मैं लेट हो गया हूँ, तो अभी वहाँ पर चल के आपको सीधा सीधा मिलते हैं। तो अभी मैं घर से निकल आया हूँ, तो अभी सीधा सीधा वहीं पर पहुँच के आपको सब कुछ बताते हैं, चले निकलते हैं। पहुँचा हूँ तो आगे यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट हो गया, वो देखें पीछे प्रैक्टिस वगैरह बच्चों की चल रही है। अभी यहाँ पे जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो असल वीडियो वहाँ बनाएंगे। हमारे कोच सब यहाँ से भी इस टाइम पे गायब हैं, इन्होंने हमें इनविटेशन दिया था यहाँ पे आने का, तो वो आते हैं तो उनसे भी आपको मिलवा। तो अभी ये मेरे साथ हमजा भाई, इन्होंने मुझे स्पेशल यहाँ पर इन्विटेशन दिया था यहाँ पर आने का, तो अभी ये खुद ही बताएँगे यहाँ पर क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला भाई को हमने थोड़ा जल्दी बुला लिया था, उसके लिए माजरत, पर असल में हमें काम के लिए बंदा भी चाहिए था। ठीक है, मेरे साथ हमजा भाई हैं और उसामा भाई। ठीक है, और इन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है, यूनाइटेड एफसी फुटबॉल क्लब और एसएसएन एफसी। ठीक है, हमने आपस में कोलेब्रेशन करके यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली यहाँ पे ताइक्वांडो क्लब की ओपनिंग है और अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड एफसी, एसएसएन एफसी और गो फास के कोलेब्रेशन के साथ। बाकी सामा भाई से आप भाई, हमजा भाई की ये जो काविश है ताइक्वांडो क्लब की, ये तो बहुत बेहतरीन है। हम चाह रहे थे काफ़ी अच्छे से कि यार हम फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे, हमारा ये ग्राउंड है अरसा दराज से, सिंस 1992 हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, हुआ करता था, बल्कि अभी भी है, ज़्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि पहले तो काफ़ी इसमें मसाइल थे, कुछ हमने इसकी सेटिंग वगैरह करवा की। ये जगह यहाँ जहाँ इन्होंने अभी क्लब बनाया है ताइक्वांडो क्लब, यहाँ पहले नाला हुआ करता था, वो नाला बंद करवा के हमने ये जगह थोड़ी सेट करवाई थी कि यार चलो यहाँ पर फुटबॉल के अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ लाई जाएँ। तो हमने कोशिश की तो कि आए हमजा भाई से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा हम ताइक्वांडो क्लब बनाना चाह रहे हैं, तो हमने उनको जगह दिखाई, अच्छी उनको पसंद आई, तो बाकी अब हम उनके साथ ही हैं, जिस तरह वो कहते हैं हम उनके साथ यहाँ पे चलेंगे। और एक अच्छा है यार ये, हम चाह रहे थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी बस स्टार्ट होने लगा, सिर्फ चीफ गेस्ट का इंतज़ार है। ये बंदा पता नहीं कब चीफ गेस्ट को बुलाएगा, क्यों आए और यहाँ पर काम स्टार्ट हो तो फिर आपको हम दिखाते हैं सर शुगर यहाँ पे। उसी टाइम पर हमारे आ चुके हैं और अभी बस ये पीछे जाएंगे, वहाँ पे रिबन शिबन कट होगा और ये हमारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बस अभी चलते हैं पीछे और आपके वहाँ पे जाके असल कारपेट पे जो अपने कर्तव्य दिखाएंगे तो वो वहाँ पे आप देखिएगा। तलावत से इसका आगाज़ होने लगा है, तो अभी ये तलावत साहब यहाँ पे तलावत करेंगे, तो आप इनकी आवाज़ में पहले तलावत सुने। الشهادة والرحمن الرحيم स्टेशन के लिए सामने आ चुकी है, तो अभी अपने यहाँ पे आपको कर्तव्य शर्तव दिखाएगी डेमो करके क्या क्या करते हैं, अभी आप देखिएगा यहाँ पे। तो जिस किसी ने यहाँ पे एडमिशन लेना हो, G11 में जो रहता हो, जिसका नज़दीक है, जिसने यहाँ पे आना हो तो वो इजीली आ सकता है।
ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंट जो इवेंट्स हैं वो देखे होंगे, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, सब कुछ वो एक साथ कर रहे होते हैं, पूरा पाकिस्तान उसको एंजॉय कर रहा होता है। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ये स्टंट्स हमारे वो नहीं है जो वो करते हैं, लेकिन ये कि हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है वो वही है और उसमें कॉम्बिनेशन जो है हमारे सारे जो है वो उसी तरह से सेम सीक्वेंस में हम लेकर चलते हैं। कोशिश होती है कि जो बच्चा भी हमारे पास आए वो इतना लाइक उसको हम स्ट्रांग कर दें कि इन फ्यूचर उसको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को वो अपना दिफा वो खुद कर सकता हो। तो ये एक सेल्फ डिफेंस का डेमोंस्ट्रेशन आपके सामने आएगा जिसमें कुछ अटैकिंग टेक्निक्स और कुछ डिफेंसिव ब्लॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये दोनों बच्चे जो इस वक्त अक्सा एंड इब्राहिम ये दोनों जिस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेशनल बल्कि अक्सा नेशनल के मेडलिस्ट हैं और इब्राहिम जो है वो नेशनल प्लेयर हैं। और इनकी किक पंच की जो टाइमिंग्स हैं उनका सेम होना बेसिकली यही आपको ये दिखा रहे हैं। वेल डन, गुड जॉब। की तरफ से इकबाल हाल से ये बच्चे आए और ये इकबाल हाल में इनके ट्रेनिंग सेशंस जो है वो इनके कोच सर बाबर हैं जो कि आज जो हमारी डेमोंस्ट्रेशन टीम का भी हिस्सा है ये बच्चे, और आज आपके सामने ये ग्रुप में स्टिक परफॉर्मेंस जो है वो प्रिपेयर करके आए। एक मार्शल आर्टिस्ट अपने आप को कैसे डिफेंस मतलब अपना करता है ये इसकी एक एक टेक्निक्स आपके सामने एक प्रिपरेशन है वो आपके सामने डिस्प्ले की जा रही है। ये ऐसे लाइक ग्रिप्स हैं या ऐसी मूव्स हैं जो हमारे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे उनको इस चीज की जरूरत होती है और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और कुछ जो है वो रेगुलर हमारे इसमें जो हमारी सोशल सर्कल में लाइक सोशल जो सर्कल्स होते हैं उसमें हमें ये इस तरह की चीजें फेस करने को मिलती हैं, तो उसका एक छोटा सा डिस्प्ले आप लोगों के लिए।
के लिए और हमारी सीनियर टीम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अबू बकर की तरफ से, अबू बकर गाजी हैं हमारे ट्रेनर हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, जहाँ जहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया है बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने इनको और होप सो परफॉर्मेंस जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पे आपको याद रहेगी। बच्चों की सरगर्मियां देखी होंगी, बच्चे किस तरह से कलबाजियां खा रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ था। तो अभी इस इवेंट का यहाँ पे इख्तिताम हुआ है, तो ये देखें पीछे हमने सारा क्लोजिंग किया है। तो अभी चलते हैं, तला भाई हमजा भाई कह रहे हैं कुछ खाने पीने जाते हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने। और हमजा भाई आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ ये बता देते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे जो फ़ीस है वो है 1500 पर मंथ है और एडमिशन फ़ीस है वो 1000 है और ये लोकेशन है आपकी G11-2 स्ट्रीट नंबर 73। आप गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे आप देखें फीस मार्शल आर्ट्स क्लब, आपके पास लोकेशन आ जाएगी और साइट डिटेल्स आ जाएगी। चलें अभी चलते हैं हम कुछ खाने पीने और यही बंदा खिला रहे हैं तो अभी चलते हैं। ज़िया बाल्टी बारबी क्यू पे हमारे से भाई भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं पीछे ज़िया बाल्टी बारबी क्यू में, तो पहली दफ़ा इधर आया हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं तो देखते हैं हमजा भाई हमें क्या क्या खिलाते हैं। अभी हम यहाँ से कोई ऑर्डर शॉर्डर हम करते हैं, इसके बाद यहाँ पे सीन आप देख सकते हैं वहाँ पे टिक्का सीन, और यहाँ पे चुकी है हम, तो अभी ये खाते शाते हैं और फिर निकलते हैं घर, क्योंकि घर वाले वेट कर रहे हैं। थैंक यू भाई जान, हमजा भाई थैंक यू यार इसके लिए कर दिए। तो अभी यार ये आपको खा के दिखाते हैं यहाँ का जायका कैसा, मर्चें तो बहुत हैं, एक दो वाला मार चुका हूँ, लेकिन आपको स्पेशल एक वीडियो बनानी थी। अभी खाना शाना खा लिया हमने, तो ये अपने घर निकले और मैं जा रहा हूँ अपने घर। चलें भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें खाना शाना खिलाया। तो इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं आज के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा दूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।